असल माई नीम इजवान चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो दिस वीडियो इज़ अबाउट कैपिटल स्मार्ट सिटी ओवरसीज़ प्राइम डिस्ट्रिक्ट और इस डिस्ट्रिक्ट में जो इसका मेन बलेवर्ड है जो एंट्रेंस रोड वन है जिसकी विड्थ है वन एटी फिट उसके हवाले से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आज की डेट में ये वीडियो रिकॉर्ड की गई थी ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन को तो उस डेट में इस एरिया की एक्चुअल डिवेलमेंट का स्टेटस आप लोग बखूबी अंदाजा लगा पाएंगे कि अभी इस वक्त साइट पर करंट स्टेटस और डिवेलपमेंट क्या है मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा क्योंकि ओवरसीज़ प्राइम के अलावा बहुत सारे दूसरे ब्लॉग्स हैं जो जिनकी वीडियोज बनानी है बट चूंकि मैं डिटेलिंग में जब जाता हूं तो एक वीडियो नौ दस मिनट ग्यारह मिनट बारह मिनट की बन जाती है तो मैं ट्राई करूंगा कि मैक्मम वीडियोज बना सकूँ ताकि बेशक समराइज कर सकूँ बट एंड ऑफ द डे जितने भी मेबर्स हैं ओवरसीज प्राइम में या ओवरसीज वन में या एग्जेक्टिव वन ओवरसीज टू एक्जक्टिव टू के उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से अपडेट मिल सके इस वक्त जो करंट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है ओवरसीज प्राइम मेन बोलेवेट का वो ये है कि ओवरसीज प्राइम मेन बोलेवेट की जो मेन एंट्रेंस रोड है उसकी तकरीबन हाफ पैच की कारपेटिंग हो चुकी है और हाफ पैच जो है आगे जो कनेक्टिविटी जिसकी एग्जेक्टिव ब्लॉक में एक्जटिव डिस्ट्रिक्ट वन एंट्रेंस ब्रिज टू से मिलनी है उसकी कनेक्टिविटी रहती है फॉर द टाइम बींग सिर्फ और सिर्फ जो एंट्रेंस रोड है जहाँ पे मेन गेट बनना है और इसे इस टाइम ब्लॉक का गेट पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ बट एंड ऑफ द डे जो मेन बल्लेवर्ड है उस पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से जारी और उसमें कारपेटिंग काम मुकम्मल हो चुका है अगर आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हैं और उसके अलावा अगर आप साइट विजिट करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आज की डेट में डेवलपमेंट कहाँ स्टैंड करती है ओवरसीज प्राइम ब्लॉक के जो मेंबर्स हैं उनके लिए सबसे जो अच्छी बात मुझे ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक में फील होती है एक तो एलिवेशन के जो एक साइड के ब्लॉक्स हैं जैसे ब्लॉक एफ़ है और ब्लॉक सी है उनके एलिवेशन बहुत प्राइम है उसके अलावा जो दूसरी साइड के ब्लॉक्स हैं जैसे ब्लॉक जी है ब्लॉक ई e है इनको जो ओवरऑल व्यू मिलेगा जैसे मार्गला व्यू होता है जैसे ई सिक्स सी डी सेक्टर ई सिक्स में एफ सिक्स में आपको मार्गला व्यू मिलता है इसी तरह ओवरसीज़ प्राइम सेक्टर ई e में और सेक्टर जी में आपको खैरी मुरथ रेंज का व्यू मिलेगा का जो काफ़ी ज़्यादा मैसमराइजिंग है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है जिन एंड यूज़र ने यहाँ पे अपने प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन करनी है उनके लिए व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल दीद है क्योंकि ये इस तरह के व्यूज़ आम तौर पर सोसाइटीज़ में देखने के नहीं मिलते अगर हम बात करें और इस प्राइम ब्लॉक में ओवरऑल डेवलपमेंट की इस मेन एंट्रेंस रोड के अलावा तो हम बात करें राइट साइड के जो दो ब्लॉक्स हैं जिसमें ब्लॉक जी और ब्लॉक एच ब्लॉक जी में अगर प्लॉट की कटिंग की बात करें तो ब्लॉक जी में सिर्फ दस मला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं और जहाँ तक बात है ब्लॉक एच की तो ब्लॉक एच में एक किनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं ये मैं बात करूँ ओवरसीज़ प्राइम मेन बलवट के राइट साइड पर अगर हम बात करें लेफ्ट साइड पर तो लेफ्ट साइड में शुरू में कमर्शल्स होंगे और उसके साथ पीछे बैक साइड पर ब्लॉक जे और ब्लॉक के होंगे जिनकी डिवेलपमेंट को अभी टच भी नहीं किया गया तो जिन इंडिविजुअल्स ने या जिन मेम्बर्स ने अपने प्लॉट्स की लोकेशन चूज़ की थी ब्लॉक जे और ब्लॉक के में उनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक अर्थवर्क होता है ब्लॉक जी और ब्लॉक एच के मेंबर्स की जिन लोगों ने वहां पे लोकेशन चूज की थी तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि बाय दी एंड ऑफ दिस ईयर वो अपने प्लाट्स का पोजेशन लेके सेल्फ बेश आज भी चाहें तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि आमतौर पर कंस्ट्रक्शन होने में तकरीबन छः महीने से साल का टाइम लगता है तो जब तक छः महीने साल का टाइम गुजरेगा तो ये वाला एरिया मुकम्मल डेवलप हो चुका होगा तो उन मेंबर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट उनको देखने को मिलेगी उनके प्लॉट्स पे नंबर वन तो रिटर्न बहुत अच्छा होगा नंबर टू कि आपने प्लाट्स पर लट से साढ़े तीन साल का पेमेंट प्लान है और आप अपने प्लाट्स पर विद इन वन ईयर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं द टू एंड हाफ ईयर स्टिल टाइम रहता होगा आपके पास इंस्टॉलमेंट का तो जिन पैसों से आप कैश में प्लॉट बाय करते हैं उन्हीं पैसों से आप ज़्यादा नहीं तो सिंगल स्टोरी ही बनाते हैं तो आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जो एक बहुत ज़्यादा एक नई चीज़ है आमतौर पर सोसाइटीज़ में जो प्लाट्स बाय करते हैं लोग जो मेंबर्स बाय करते हैं वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ होंगे कि इस साइट पे या, स्मार्ट सिटी के अलावा जो इस्लाम आबाद राउलपिंडी में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं कोई भी सोसाइटी ड्यूरिंग इंस्टॉलमेंट पोजेशन ऑफर करने की पोजीशन में नहीं होती उसकी सिंपल सी रीज़न है कि सोसाइटीज़ ने पहले एक पैसे जो फाइल से आते हैं उनसे लैंड एक्वायर करते हैं बाद में डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चीजें रिवर्स हुई हैं सो सोज दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे अगर आपको स्मार्ट सिटी में के बारे से कुछ मालूम चाहिए तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है प्लस डबल नाइन नाइन डबल एट वन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज